गाइस, क्या हाल मेरा इंट्रो क्या था हेलो गाइस की हाल चाल आए हो Few moments later. Hello guys, ki hal chal. I hope tu sare kind ho gaye. Aapan bhi vadhiya, tade saare din vadhiya ja rahe honge. Apne bhi first class. To aaj kaafi time baad vlog start karne lage hain. Aaj Sunday ke din hum ja rahe hain ghumne. To humne socha ek vlog shoot kar lete hain. Kaafi time se lamba gap chal raha tha. Aap dekh hi chuke ho ki main apni intro bhi bhul chuka hu ki itna time ho gaya. Intro bhi mere ko dhang se yaad nahi thi. तो आप स्टार्ट कर रहे हैं और आगे भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं आप लोगों के लिए. तो अब स्टार्ट किया तो अच्छे से स्टार्ट करते हैं. हैशटैग मिशन सिल्वर बटन 2022. तो इस साल में हमने सिल्वर बटन लेना है, 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर रहे हैं. तो प्यार देते रहो, हम मेहनत करते रहेंगे, वीडियोज़ लाते रहेंगे और आप सपोर्ट करते रहो, शेयर करते रहो, वीडियो के नीचे कमेंट लाइक ज़रूर कर दिया करो. तो अब चलते हैं, निकलते हैं और जहाँ जाएंगे साथ बने रहो, मज़ा आने वाला. हमारा जाने का टाइम और ये उदास हो गए. लड्डू जी, लड्डू जी, लड्डू जी. होगी निन्नी बुरी, होगी नाराज है, नाराज नहीं है ये नाराज नहीं होता. नाराज नहीं होता है, इसको शाम को घूमने घूमने लेके जाएंगे. तो ये रही हमारी फ्लाइट और यहाँ से मिलना हमें बोर्डिंग पास जो कि गुरनीत ले रही है और फिर हम अंदर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं. तो ये बोर्डिंग पास मिल चुका है और ये चेक इन के लिए हम जा रहे हैं. ये हमने मंगाया था अचारी पनीर टिक्का, है ना, वो हमने बनाया गार्लिक ब्रेड जिसपे कुछ चिली फ्लेक्स और ये ना कुछ नहीं है और आइस क्यूब मांगे थे तो आइस क्यूब का नाम थे. ये पूरा फ्रिज में से वो ट्रे निकाल के दी थी और ये इतनी सारी सॉस के पाउच दिए हैं, इनका क्या सिर में मारूंगा मैं. तो रनवे कैफ़े हम खा पी के बाहर आ चुके हैं. ज़्यादा हमने खाया नहीं क्योंकि टेस्टी नहीं था. टेस्टी लगा आपको? टेस्टी नहीं था, सिर्फ टेस्टी नहीं था बहुत गंदा था, बहुत वाहियात था. मेरे को एक बात ये समझ नहीं आती कि इतने व्लॉगर्स ने यहाँ पे व्लॉग बनाए हुए हैं, फूड व्लॉगर्स ने व्लॉग बनाए हुए हैं, तो रिव्यू ढंग का, मतलब ठीक रिव्यू क्यों नहीं करते. अरे सच में, मतलब बिल्कुल ठीक थी तबीयत हमारी, लेकिन खा के ऐसा लगा बस अभी वोमिट आई तो आई. हमारा बहुत मन है कि हम एडवेंचर आइलैंड जाएं अंदर, लेकिन हमारी तबीयत दोनों की इतनी खराब हो गई है कि हम डर रहे हैं अगर अंदर गए तबीयत खराब होगी तो दिक्कत. फूड क्वालिटी तो मैं कह रहा हूँ जीरो और मैं सब कुछ लिख के आया हूँ अंदर, रिव्यू वगैरह दे के आया हूँ. अब पता नहीं वो रखते हैं या फाड़ के फेंक देंगे, लेकिन सही में बिल्कुल यहाँ पे तो भाई बिल्कुल मत आना. अगर आ रहे हो तो एडवेंचर आइलैंड के लिए आ जाना, घूम लेना फिर लेना, बट रनवे में बिल्कुल मत खाना. वो ट्रेन में बैठ जाओ. ओ चल पड़ा, चल पड़ा, इसमें बैठना आपने. मैं तो नहीं बैठता इसमें, बैठना कुछ भी नहीं है, बच्चों वाली राइड है ये, बच्चों वाली राइड है. ओ गई पहुंचने वाले हैं, बच्चों वाली राइड दिखाता हूँ. ये वाली राइड है जो कह रही है, बच्चों वाली राइड है, उल्टे लेट के राइड करा रहे हैं, खाया पिया सब बार. उल्टी होगी फिर, उल्टी होगी फिर. मेरे को बोल रही थी बड़ी एडवेंचर है, खुद देख के मना कर दिया. अरे यार उल्टा लेके कौन करता है, उल्टी होगी फिर. वो चलते हैं एरोप्लेन में, पहले रनवे कैफे और फिर एरोप्लेन. पहले ये देखते हैं चल क्या रहा है इधर. ये वाला देख के, ये वाली राइड देख के मेरे को याद आ गया, आज से 4-5 साल पहले हम सारे फ्रेंड्स मिल के वाओ गए थे नोएडा. तो मेरे को बिठाया था, मेरे को डर बड़ा लगता है राइड से, तो मेरे को बिठाया था कि ये यहाँ से बिल्कुल सीधा ऊपर जाएगी और सिर्फ नीचे आएगी, बट मेरे साथ हुआ क्या, ये सीधा ऊपर गई और ऊपर जाके पूरी उल्टा लटका दिया इन्होंने. आपको झूठ बोल के लेकर जाना पड़ेगा राइड्स में, नहीं तो आप जानने वालों में से नहीं हो. ये ऐसे कपड़ों में यहाँ जाने के लिए कह रही है, पूरे तैयार हैं हम. अभी देखना, आप घर से देख लो, आंखें खोल के देख लो. ये बड़ा वाली राइड है, बच्चे वाली नहीं है. नहीं तो ये करनी नहीं हमने, ये भाई इसमें पलटा देंगे, रोलर कोस्टर राइड है ये भाई. सुनो मेरी बात, सुनो, आप
आना हो, जिसने कहीं मत आना, मेरे साथ आना जिसने आना हो। थोड़े से तो गीले हो, मैं कह रहा हूँ इसमें हम गीले हो जाएंगे, ये बोल रही है नहीं गीले होंगे तो हम कर लेते हैं, देखी जाएगी जो अपनी बारी आने वाली है, बस थोड़े से रह गए उसके बाद अपनी बारी है। और जैसे ही डर रहे हैं, डर नहीं रहा मैं। तो फाइनली अब हम बैठ गए, हमारी बारी आ गई है, देखते हैं क्या होता है। हाथ मार रहे हैं स्लेट पैर यहाँ साइड में, डर तो लग रहा है। Oh my God, फोन नहीं करना चाहिए। Oh my God, पकड़ के बैठना। तो हो गए मजा आ गया यार, इतना था नहीं जितना डर रहे थे। इतना नहीं 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 और नहीं करेंगे इस बार कटा। बच्चों वाली राइड है, शक्लों से पता लग रहा है उनकी। इसमें इतनी सारी राइड्स देखी हैं, इतनी टफ टफ राइड्स कह रही है लेनी है, और ये जो सिंपल से बच्चों वाली राइड है ये कह रही है ये नहीं लेनी, इसमें डर लग रहा है। डर नहीं लग रहा मुझे, नहीं मेरे को अच्छी राइड लेनी है। तो इसमें बैठ गए, ये इससे बड़ी डर रही थी तो दोनों साथ बैठ गए। मैंने इसको वैसे कहा था कि अलग अलग चलते हैं। डर नहीं रही मुझे, आती नहीं है चलानी, कैसी सी है चलाना, क्या एक्सीलेटर नीचे दिया हुआ है और स्टीयरिंग घुमाना है। जिनको गाड़ी चलानी आती है वो ऐसे ही बोलते हैं, ठोकेंगे तो ठोकेंगे, क्या हो गया, रोड थोड़ी है ना चलान होने वाला है। और जो अच्छी अच्छी राइड है वहाँ पे जाने को तैयार नहीं है, वो अच्छी अच्छी नहीं है, बहुत गंदी राइड है, ऊपर जाके उल्टा लटका देते हैं। सब खाया पिया बाहर। देखो यार मैं दिखाती हूँ, यहाँ बहुत अच्छी राइड्स हैं, यहाँ पे जा ही नहीं रही है। ओवर एक्साइटेड किड है। चलो चलानी नहीं आंदी, ये चलाएंगे अकेले अकेले। ये बच रहे हैं लोगों से। हाँ तो और क्या, ठोकूंगा थोड़ी जाके। ये देखो गए बस गए, मैं कह रही हूँ कि सबको मारने के लिए आए हैं यहाँ पे। अब अपनी तरफ लग रहा है ड्राइविंग कितनी सिंपल और सही। आपको ड्राइविंग आती है इसलिए यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है। वो हमें ढूंढ रहे हैं, हमें मारेंगे, हम उनको मार रहे हैं जाके। बच गए बच गए बच गए, सब फंस गए यहाँ पे। प्लीज प्रो इन दिस। अरे भैया यहाँ फंसे हुए लोग, ठीक है ना, मजा आ रहा है। अब अकेले चलानी है? नहीं नहीं। ये है जंगल सफारी, जो ये इस वाली कार पे लेके जाते हैं और घुमाते हैं। नाम इसका रखा हुआ है जंगल सफारी, और इसमें जंगल में एनिमल दिखाता हूँ मैं। ये देखो ये नकली वाले, इसके लिए बिठा रहे हैं, वो एक और है। अच्छे से व्लॉग देख लो हमारा, हम अब वाइल्ड लाइफ भी हमने स्टार्ट कर दिया, वाइल्ड लाइफ दिखाना शुरू कर दिया। पीछे आपको सारे एनिमल्स दिखा दिए हमने, जंगल सफारी प्रॉपर घुमा दिया आपको। अभी एक और दिखाता हूँ छोटे से, ये देखो, और वो ऊपर लोग भी चढ़ रहे हैं देखो। तो ये पूरा वाइल्ड लाइफ आपको दर्शन करा दिए। होता है अब
सेम राइड में दोबारा बैठने के लिए कह रही है, हम उसमें करके आए हैं जो हम अभी पीछे करके आए ना पानी वाली, वही वाली राइड है, बस ये थोड़ी सी ऊपर है। थोड़ी सी ऊपर है तो जा से नहीं रहे, बताओ। मैं नहीं डर रहा कोई भी, अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, ज्यादा फर्क नहीं है। मैं अपने कजन के साथ आना पसंद करूंगी ऐसी जगहों में। ये वहाँ से आएगी और ये प्रॉपर यहाँ से नीचे, और एक वो भी है छोटी है, समझ नहीं आ रही है एक ही जगह पे दो दो। अरे ये दोनों जगह से आएगी, हाँ तो यहाँ से जाके अच्छा ही दोनों जगह कवर करेगी। ये नहीं कर, वो भाई करना है। अच्छा ये पहले यहाँ से छोटी जाएगी, ये छोटी होके जाके वो पीछे से घूम के और वो घूम के आएगी उधर से। मैंने इसको ये राइड नहीं करने दी, कह रही मैं अपना व्लॉग खुद बनाऊंगी अब। हाँ व्लॉग बनाओ, मैं जा रहा हूँ। तो अभी हमने कुछ कुछ राइड्स ली हैं, कुछ 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 तो दो बहुत हैं। अब हम प्लान करेंगे वाटर पार्क का आने वाले कुछ टाइम में, वाटर पार्क का प्लान करेंगे वाटर पार्क जाएंगे। और हाँ, आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो बताना, चलेंगे साथ चलेंगे नहीं, और वाटर पार्क जाएंगे लेकिन ये कोई राइड नहीं लेंगे, सिर्फ वहाँ पानी में बैठे रहेंगे। सिर्फ पूल राइड ये लेगी, इंटरेस्ट है ना, नहीं लेनी मेरे को राइड, नहीं लेनी। अगर वो एक में बैठा था मैं सिर घूमने लग गया मेरा। इसने लेनी है ये वाली राइड, और ये जो रुकरी है ना, जो भी उतर रहा है ऐसे बैठ जाता है, चक्कर ज़्यादा आ रहे होते हैं ना, ये राइड तो बिल्कुल भी नहीं है, दूर से निकल जाऊँगा मैं देख के। शिमला की टॉय ट्रेन में आपने घुमाया था, मैं दिल्ली की घुमा देता हूँ। एरिया देखो ये स्टार्ट होने लगी है, यहाँ से चले गए तो एडवेंचर आइलैंड से बाहर जा रहे हैं और एग्जिट कर रहे हैं। अब करेंगे बोटिंग, और बोटिंग में लिखा तो हुआ है कि एक पैडल वाली है, दूसरी कौन सी मोटर बोट थी, तो मोटर बोट यहाँ पे नज़र तो आ नहीं रही है, पैडल वाली सारी नज़र आ रही है। नीचे चलते हैं और फिर देखते हैं। चीज़ देख के गुस्सा आ रहा है क्या, ये तो बहुत गंदा भाई, हिम्मत आना फूड बेकार। तो लास्ट राइड आज की, बोटिंग कर रहे हैं पैडल वाली, तो मुझे नहीं करनी थी, तो ये जो चीज़ करने वाली है वो इसने करनी थी, और जो नहीं कर सकते वो इसने करनी थी। अरे क्या यार, ये एक्सरसाइज होती जा रही है बिन बात, और गर्मी अलग, गर्मी का हवा चल रही है, अब तो रात हो गई है और ऊपर से मेरे को फोन पकड़ाना। चलो हम कर रहे हैं बोटिंग। हमारे को अभी पता क्या हुआ, वहाँ पे पीछे जब एंट्री कर रहे थे तो एक फैमिली थी हमारे से आगे खड़ी थी, पहले मतलब वो टोटल 6 बंदे थे, उन्होंने कहा हमारे को एक बोट चाहिए जिसमें 4 बंदे बैठ जाएं और एक सिंगल दे देना जिसमें 2 बंदे बैठ सकें। तो बाद में उनको पता नहीं क्या हुआ, कहते सारे अलग अलग बैठेंगे, हमने कहा ठीक है, लेकिन दिमाग हमारा थोड़ा तेज चला, जब तक वो लाइफ जैकेट पहन रहे थे उससे पहले हमने पहन ली, और उनकी एक बोट में हम बैठ गए, नहीं तो हम 4 वाली में होते। कितने गंदे हैं ना ये। पैसे अच्छे दिए हैं तो अपना प्राइवेट करेंगे ना, क्यों किसी के साथ करें। हाँ, और हमारे साथ अगर बैठते भी, अगर हम 4 वाली करते तो 2 बच्चे बैठते थे हमारे साथ। हाँ। उनकी चीपी चीपी सुनने से अच्छा है कि अपना करें, अपना करें। अच्छा है यहाँ का, दिखाती हूँ। कंसंट्रेशन लेवल देखो इनकी, पूरा लीवर भी मेरे हाथ में, डायरेक्शन भी मेरे हाथ में, सब कुछ, पैडल भी मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ। अरे पैडल तो मेरे, मैं भी कर रही हूँ। अच्छा पता है, अभी मैं पैडल छोड़ देता हूँ, देखते हैं कितनी देर चलती है। और पता है, यहाँ पे एक चीज मेरे को, मतलब मेरा पहले का चीज मेरे को याद है, मैं गया था दुबई, तो बोटिंग तो मेरी फेवरेट है, मैं वहाँ पे भी गया था क्रीक, तो वहाँ पे ना एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो बीच में 1 रुपी में फेरी मिलती है, जो कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर छोड़ती है। तो अभी बाहर खड़े थे तो मैं वेटिंग में, तो गुरनीत का यही बता रहा था कि मेरे को याद आ रही है दुबई की। अब इनका फिर से दुबई जाने का मन कर गया, जाने का मन तो है, जाएंगे दुबई। जॉब सब कुछ यहाँ पे पूरा करा दो, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला ना वीडियो के, मिशन
दुबई पक्का आपको साथ लेके चलेंगे। हाँ। पैडल मार के मैं कह रहा हूँ यही सेंटर में छोड़ देते हैं, थोड़ी देर यही आराम से हवा चल रही है बैठते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। वैसे 10 मिनट का टाइम है। वैसे तारती की यहाँ पे तो फिर भी बहुत नॉर्मल प्राइस है इसका बोटिंग का। अगर हम चंडीगढ़ सुखना लेक में करें तो बहुत ओवर प्राइस है वहाँ पे। आई थिंक एक बंदे का 350 है, मेरे को प्रॉपर नहीं पता, 250 है ऐसे कुछ है। यहाँ पे ठीक है ना, मुझे प्राइस ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो प्राइजेस मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने रनवे कैफे जाना है तो अब लाइट कम हो गई है तो थोड़ा संभाल लेना। तो प्राइजेज मैं बता दूँ, प्राइजेज हैं अगर आपको जाना है रनवे कैफ़े तो उसका आई थिंक रनवे कैफ़े का पर पर्सन 200 था जो कि हमारे लगे 400, और वो फूड में एडजस्ट हो जाते हैं प्राइजेज। और उसके बाद आपको अम्यूजमेंट पार्क या फिर वाटर पार्क में जाना है एडवेंचर आइलैंड, तो उसकी टिकट है पर पर्सन 350, और बोटिंग उसमें इंक्लूडेड नहीं है। बोटिंग के लिए पर पर्सन 100 rupees है ना, ऐसे ही था ना। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो बस बने रहो, एंजॉय करो, हम भी एंजॉय कर रहे हैं, आप भी एंजॉय करो।